दोस्तों ये कहानी है झारखंड रांची के चारी गांव के एक मिट्टी के घर में रहने वाली अनीता कुमारी की, जिनका सिलेक्शन हाल ही में फीफा अंडर 17 विश्व कप के नेशनल कोचिंग कैंप के लिए हो गया है। लेकिन यहां तक का सफर अनीता कुमारी के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। दरअसल फुटबॉल में अपना करियर बनाने वाली अनीता कुमारी को फुटबॉल खेलने के लेकर ताने मारे जाते थे, यहाँ तक कि ट्रेनिंग सेशन के दौरान कांच के टुकड़े भी फेंक दिए जाते थे। लेकिन तब भी अनीता ने हार नहीं मानी और वो ट्रेनिंग करती रही। अनीता कुमारी की बहन विनीता ने कहा कि मुझे गर्व है, उसने कई कठिनाइयों का सामना किया क्योंकि उस समय हमारे घर के हालात बहुत ही खराब थे और हमारे पास खाने के लिए सिर्फ चावल थे। दोस्तों अनीता ने जिस परिस्थितियों में कामयाबी हासिल की है वो काबिले तारीफ है। हमारे देश की इस बिटिया के लिए एक हार्ट तो बनता है। और ऐसे ही अमेजिंग मोटिवेशनल वीडियोस के लिए हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।